एंड ऑल ओवर अगेन से आम आई ऑल द बेस्ट विशेज टू यू गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस यदि आप लोगों ने इसका पी डी एफ अभी तक नहीं पढ़ा है देन आई वुड रिकमेंड यू कि पहले आप पी डी एफ पढ़ो उसके बाद वीडियो देखो दैन इट विल बी मच मोर हेल्पफुल अपार्ट फ्रॉम दिस आई रियली एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने अभी तक वैन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो इट्स लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर सो आई रियली होप कि आप लोगों ने अभी तक नवम्बर का पी डी एफ पढ़ लिया होगा बिकॉज ऑबियसली आपके जो एस बी आई पी ओ मेन्स का एग्जाम है उसके लिए पास्ट जो फोर मंथ्स हैं दैट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर एंड आई वुड से मिड ऑफ डिसम्बर ओके सो ये चार मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके करंट अफेयर बाकी के जो भी बचे हुए आप लोगों के पास आठ दस दिन है उसमें आप ये वाले करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए ओके सो बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं ओके सो फर्स्ट एंड द फॉर्म ऑफ स्पेशल डिस्कस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स Microsoft स्टॉक बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट valuable बीटिंग एप्पल सो अक्टूबर के लास्ट वीक में जो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हैं उनमें 1.1 पॉइंट वन परसेंट का उछाल आया था राइज आया था जिसके वजह से इनका जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो हो गया था टू पॉइंट फोर सिक्स ट्रिलियन डॉलर्स और इन्होंने एप्पल को सेकेंड स्पॉट पर ला के रखा हुआ है पहले एप्पल के जो स्टॉक थे वो मोस्ट वैल्यूएबल थे ओके okay? इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड है सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं ये फिर आते हैं याहू पोल्स आउट ऑफ चाइना साइज चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरमेंट सो so, याहू जो है उसने चाइना से विद्रॉ कर लिया है और ये सिंबॉलिक है सिंबॉलिक इस तरीके से क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली इट्स डिक्टेटर डिक्टेटरशिप प्रिवेल्स इन चाइना सो इस वजह से वहां पर कोई भी अगर कंपनी है तो वो फ्रीली वर्क नहीं कर सकती यू हैव टू अधर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री सो यहाँ पर यदि आप देखें कि एज मैनी द विद्रॉल वॉज लार्जली सिम्बॉलिक एज मेनी ऑफ द कंपनी सर्विसेज वो आर ऑलरेडी ब्लॉक बाय चाइनाज डिजिटल सेंसरशिप से अगर वो लोग विद्रॉ नहीं भी करते तब भी उनकी कंपनी की बहुत सारी जो सर्विसेज थी वो ऑलरेडी चाइना की सरकार के द्वारा ब्लॉक करी हुई थी ओके okay? और याहू अभी के टाइम पर देखें तो इट्स अ बिग फॉरन कंपनी जिसने चाइना से एग्जिट करा है फिर आते हैं यू एस ने इंडिया की टू फोर्टी एट एंटीक्विटीज जो जिनकी वैल्यू थी फिफ्टीन मिलियन डॉलर वो अभी रिटर्न करी हैं ओके सो आपको पता होगा बहुत सारी कंट्रीज हैं यूके है कैनेडा है, है और इसके अलावा आपका यूएस है यहाँ पर इंडिया की बहुत सारी जो पुरातात्विक चीज़ें हैं वो मिलेंगी और अब वो धीरे धीरे करके वापस आ रही हैं हर मंथ आप कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे कि अब इंडिया वापस आया है लास्ट मंथ आई गेस दे वॉज सम न्यूज़ रिलेटेड टू कैनेडा कि वहाँ से कोई चीज़ वापस आई है ओके okay? चलिए आगे देखते हैं एलन मस्क की जो स्टार्लिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है उसने रजिस्टर करा है और ये टारगेट करेगी रूरल डिस्ट्रिक्ट को तो देखिए यहां पे क्या है एलन मस्क की एक रॉकेट कंपनी है स्पेस एक्स ये आपको पता होगा इसका एक सैटेलाइट इंटरनेट इंटरनेट डिवीजन है जिसका नाम है स्टारलिंक और इसने अब अपने बिजनेस को इंडिया में रजिस्टर करा है ओके लास्ट मंथ भी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा था कि स्टारलिंक uh, के इंडिया में हेड कौन बनाए गए हैं तो यदि आप लोगों को याद है तो आप इसका आंसर नीचे कॉमेंट्स में लिखिए ओके okay? फिर आते हैं ब्रिटेन ने अप्रूव करी है वर्ल्ड की दुनिया की पहली ओरल पिल फॉर ट्रीटिंग कोविड नाइनटीन सो अभी तक क्या थी जो भी पिल्स वगैरह पिल्स एज इन जो भी अभी तक मेडिसिन थी वो थी इंजेक्टेड वे में और यहाँ पर पहली ओरल पेल जो है उसको अप्रूव करा है ब्रिटेन ने ओके okay? फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक मेंबर कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का तो देखिए चूंकि ये इंडिया का एक है मतलब इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू करा था इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है गुरुग्राम में डायरेक्टर है अजय माथुर तो अब यहाँ पर क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आई एस ए की वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जैसे कि अभी शायद एस बी आई का पेपर था एस बी आई क्लर्क का उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन की डिग्रीज पूछ ली थी ठीक है तो वो ऐसा नहीं था कि कोई जोग्राफी का क्वेश्चन था वो भी आपका आई एस ए से रिलेटेड है क्योंकि पहले इसमें जो भी कंट्रीज़ शामिल हो सकती थी वो इस रीजन में लाई करती थी ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में पर अब वो हटा दिया गया है अब जितने भी यू एन के मेंबर नेशंस हैं वो आई एस ए के भी पार्ट आई एस ए में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके okay? सो so, इस वजह से ये क्वेश्चन आया था अभी अगर आई एस ए से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तैयार रखनी है सो एक सो एकवा मेंबर कंट्री बना है अमेरिका फिर उसके बाद दुबई एयर शो बिगिंस एट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सो यहाँ पे दुबई एयर दुबई एयर शो हुआ था इसमें इंडियन एयर फोर्स के कॉन्टिजेंट ने भी पार्टिसिपेट करा था नाउ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है ऑप्शन दे दिए सऊदी अरेबिया ईरान इसराइल दुबई तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है फिर इसके बाद आते हैं फर्स्ट इंडियन कॉन्टिजेंट अराइव इन अंटार्क्टिका फॉर फोर्टी फर्स्ट ट सो यहाँ पर अगर ऐसा वर्ल्ड का हम ग्लोब बनाए मैप बनाए तो यहाँ पर लाई करता है एंटार्क्टिका ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के भी नीचे यहाँ पे एंटार्कटिक सर्कल है वहां पर तो इसीलिए और ये क्या है पूरा बर्फ से घिरा हुआ है तो इसलिए इसको बोला है व्हाइट कॉन्टिनेंट और साउथ में लाइ करता है तो सदर्न कॉन्टिनेंट ओके okay? द नेक्स्ट है इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म ऑफ फोर ईयर फ्रॉम ट्वेंटी 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 फाइव ओके सो पहले भी ये यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में था और अब दोबारा से इंडिया को री इलेक्ट करा गया है इसके अलावा यहां पर यदि यह हम यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरलेशन हेडक्वार्टर है इसका पैरिस मेंिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा सो ऑर्केस्ट्रा क्या होता है जब बहुत सारे म्यूजिशिय एक साथ में परफॉर्म करते हैं सो वेनेजला ने क्लेम करा है टू हैव ऑर्गेनाइज गिनी टू हैव ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा और अब इसको शामिल किया जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ओके okay? फिर हम आते हैं इंडिया ने एक कल्चरल सेंटर बनाया है जिसका इनोग्रेशन होगा सो ये कहाँ पर बनाया गया है ये है श्रीलंका में और इसका नाम क्या है सो जाफना कल्चरल सेंटर ओके इसको इंडिया के द्वारा बनाया गया है फिर आता है नेक्स्ट एल सेल्वाडोर प्लांट्स वर्ल्ड फर्स्ट बिट कॉइन सिटी सो अभी थोड़े ही टाइम पहले एक हमने करंट अफेयर पढ़ा था कि एल सेल्वाडोर जो है वो पहला कंट्री बना है जिसने बिट कॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करा है अब इसके अलावा इन्होंने दुनिया की आ, प्लान कर रहे हैं ये कि वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी को ये अपने कंट्री में डेवलप करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ के प्रेसिडेंट है नायब बुकेले और कैपिटल है सेंट सेलवाडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ओके फिर अब एक नया वेरिएंट आया है कोरोना का ये आप सब लोगों को पता ही होगा ओमिक्रॉन जिसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है सो एंड यस बी सेफ गाइस ओके सो so, डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर करा है एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न बी वन वन फाइव टू नाइन ओके आगे देखते हैं अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की राहुल द्रविड को इंडिया मेन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है सो पहले रवि शास्त्री थे और अब राहुल द्रविड होंगे इसके अलावा एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो कि बेंगलुरु में बेस्ड है पहले ये उसके डायरेक्टर थे अब चूंकि ये इंडिया के हेड हेड कोच बन गए हैं तो वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के नए डायरेक्टर बने हैं ओके फिर उसके बाद इंडिया के एक बॉक्सर हैं आकाश कुमार इन्हें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल कहां पर सो एआईबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है उसमें इंडिया के बॉक्सर आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एनसीसी okay? तो लाइफ right? इस दो लोगों को मिली है इंडिया से हरभजन सिंह और जवागर श्रीनाथ ज्वाइनिंग सिक्सटीन अदर क्रिकेटर्स द ऑनर दिस इस साल सोलह क्रिकेटर्स को मिला और दो है उसमें इंडिया के जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह अब एमसीसी क्या होता है सो so, आपका मैरलबोर्न क्रिकेट क्लब जो की लॉर्ड ग्राउंड लंडन में स्थित है आप इसको मेलबोर्न से कंफ्यूज मत करना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है दिस इज मैरलबोर्न ओके फिर आगे देखते हैं फेब्रियो क्वार्टेरो बिकम्स 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन सो so, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 के बने हैं फेबियो क्वेर टाराओ क्वेर टारो आई डोंउंस दिस ठीक है इफ यू यू हैव सीन द द नेम वंस और विल बी एबल टू टेक आंसर ये यामाहा के राइडर है तो ये भी आप याद रख सकते हो uh, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए ही बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच राइडर टू क्लेंच प्रीमियर क्लास वर्ल्ड टाइटल सो फ्रांस के हैं फेबियो एफ से स्टार्ट हो रहा है फ्रांस जो इनका कंट्री है वो भी एफ से स्टार्ट हो रहा है सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे श्रीनगर ताजुल इस्लाम विन्स गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो अभी हमने पढ़ा था आकाश कुमार का वो था uh, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि हुई अभी सर्बिया में 54 किलो वेट कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता 13 साल की उसमें गोल्ड मेडल जीता है ओके कहां पर हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप सो यह हुई इजिप्ट में ठीक है फिर आ, अच्छा ये और देखिए ताजुल ब्रांड एम्बेडर फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो वहां पर यानी कि इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ताजुल जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की फिर उसके बाद यहाँ देखिए आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स चैंपियनशिप प्रेसिडेंट्स कप इसमें मनु भाकर और ईरान के जावेद फरोकी ने एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है सो इसमें ऐसा नहीं था दैट यू हैव टू पार्ट यू हैव टू टेक पार्ट विद पार्टिसिपेंट ऑफ योर ओन कंट्री सो इसीलिए इंडिया की जो मनु भाकर है इन्होंने ईरान के जावेद फरोकी के साथ में इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा था, था ये? ये पोलैंड so, से बिलोंग करते हैं मित्रा गोहा ठीक है सेवेंटी सेकेंड ग्रैंड मास्टर बने और ग्रैंड मास्टर किस गेम से रिलेटेड होता है तो चेस से फिर उसके बाद में मैक्सिको ग्रांप्री ये जीती है मैक्सवास में रेड बॉल के लिए ये ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है मैक्स वार्स ठीक है और इसमें सेकंड आए कौन सो so, हैमिल्टन ये सेकंड आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे सिर्फ मुझे दिखा और आई वॉन्टेड टू टेल यू कि ये मर्सरीज के लिए ड्राइव करते हैं तो आप हैमिल्टन और उसके बाद ये सर्जियो पेरेस फिर आपके हो गए वार्सतेपन ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं इनका आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि ये किस पर्टिकुलर टीम के लिए ड्राइव करते हैं या फिर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ओके फिर यहाँ पर आ जाते हैं नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप ये जीती है सरिता मोर ने 59 नाइन के जी कैटेगरी में फिर उसके बाद यह देखते हैं फर्स्ट एवर नेशनल योगासन चैंपियनशिप ये हुई उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई चीज हो रही है और जो योगा है वो बेसिकली इंडिया से ही ओरिजिनेटेड है सो so इसलिए आपको इसका जरूर ध्यान रखना है ओके इंडिया इज सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन जून नेक्स्ट ईयर फिर उसके बाद आते हैं आईसीसी मैंस टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप यह भी हुआ था इंडिया परफॉर्म वेरी पुअरली इन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप न्यूजीलैंड से भी हारे थे हम और पाकिस्तान से भी हारे थे और हम जो ग्रुप स्टेज थी उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे सो so यहाँ पर किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीता है किसको हराया था न्यूजीलैंड को आई वुड से न्यूजीलैंड इज़ क्विट अनलक्की जब अभी वर्ल्ड कप भी हुआ था उसमें भी इंग्लैंड से फाइनल मैच में ही हारे थे एंड दैट टू वो तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था आगे देखते हैं डेविड वॉर्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें डिक्लेयर है तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है फिर उसके बाद लेविस ने ब्राजीलियन जीती है तो मैक्सिकन किसने जीती है वार्स्तेमिल्टन ने और uh, Hamilton ने कौन सी जीती है ब्राजीलियन ग्रापरी मर्सरीज के लिए ये ड्राइव करते हैं फिर उसके बाद यहां आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कन्फर्स टू फोर्टी सिक्स अथलीट्स एंड कोचेस विथ फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स सो ये जो अवार्ड्स हैं ये अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट करे गए हैं पहली बार दिए गए हैं और किसने दिए हैं सो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दोनों ही अनुराग ठाकुर उन्होंने ये मेडल्स दिए हैं टोटल 246 लोगों को ये मेडल्स दिए गए हैं जिसमें से 162 तो प्लेयर हैं और 84 है कोचेस तो ये दोनों ध्यान रखना है फिर उसके अलावा 2031 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा यानी कि मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा उसको इंडिया और बांग्लादेश मिलके होस्ट करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा फिर हम आते हैं नेक्स्ट ए बी बड़े प्लेयर है so, इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करा है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑल दू वर्स क्वाइट आई वुड से इन फॉर्म लेकिन फिर भी इन्होंने अनाउंस करा है कि अब किसी भी क्रिकेट के uh, उसमें पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे ठीक है इनके नाम पे कौन कौन से रिकॉर्ड है सोलह बॉलों में इन्होंने पचास रन बनाए थे फास्टेस्ट हंड्रेड भी इनके ही नाम है और फास्टेस्ट वन भी इनके ही नाम है फिर उसके बाद आते हैं कतर क्रापड़ी ये जीती है लेविस हेमल्टन ने इसके पहले अभी हमने देखा था कि कौन सी क्राफरी जीती थी लेविस एमिल्टन ने सो ब्राजीलियन और मैक्सिकन जीती थी मैक्स वास्तेपन ने ठीक है देन आते हैं इंडिया ने सात मेडल्स जीते हैं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में कहां पर हुई है सो ढाका में नेक्स्ट है एलेक्सेंडर जेवरेव क्लिंचेस ए टी पी फाइनल टाइटल डिफीटिंग डेनियल मेदवी सो ये अभी राइजिंग टू स्टार्स हैं टेनिस की दुनिया में यदि हम बात करें आफ्टर रोजर फेडरर नोवाक जोकोवेक राफेल नडाल सो इन दोनों की कंट्रीज आपको याद रखनी है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप इन्हीं के ही नाम देखोगे मोस्ट ऑफ द चैंपियनशिप्स में जीतता हुआ सो so, कंट्री इन लोगों का आप जरूर ध्यान रखना जर्मनी के हैं एलेक्गजेंडर जेवरेव और इसके अलावा रशिया के हैं डेनियल अपार्ट फ्रॉम दिस ये इनका सेकेंड एटीपी फाइनल्स है जो इन्होंने जीता है ओके okay? फिर आते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पे सो so इसमें किसने जीता है वो है तमिलनाडु और डिफीट करा है कर्नाटका को ठीक है इसके अलावा कहाँ पर हुआ सो अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली अब ये भी पूछ सकते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है ठीक है तो ये भी ध्यान रखना डेली में है और बस यहां से यही क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा फिर यहां पर नेक्स्ट देखते हैं ताश्कंदू होस्ट ट्वेंटी एशियन यूथ पैरा गेम्स So, देखिए यहाँ पर एक तो एशियन है वर्ल्ड के नहीं है उसके अलावा पैरा गेम्स हैं ओके गे? सो so, ताशकंत है यह है आपका उज्बेकिस्तान में वहां की कैपिटल है और 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स वहां पर होंगे ओके इसके अलावा अभी 2021 का जो एडिशन है वो अभी हुआ है कुछ ही टाइम पहले दिसंबर के ही महीने में तो वो हुआ आपका बहरेन में फिर नेक्स्ट है सौरभ घोषाल कौन सा कौन सा गेम खेलते हैं so, ये सो ये एक स्कॉश प्लेयर है इन्होंने हराया है मिगेल रॉड्रिगेस को

एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे ओके फिर अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को और एमओयू को इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक एम साइन करा है जिसके तहत मेघालय को 40 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे वहाँ के हेल्थ सिस्टम को बूस्ट करने के लिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ओके किसको देंगे मेघालय को इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर ये एक एग्रीमेंट साइन करा है चालीस मिलियन डॉलर का है ये देन नेक्स्ट है इंडिया और इटली ने कोलैबोरेट करा है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और गैस के लिए सो so, पहले तो आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो चलिए मोदी जी हो गए इटली के प्राइम मिनिस्टर तो आपको याद रखने क्योंकि इन दोनों ही लोगों ने मिलकर इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करा और उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करा था कहाँ पर हुआ ये सो जी ट्वेंटी समिट जो हुई उसके साइडलाइंस में साइडलाइंस एज इन मीटिंग में तो सारे कंट्रीज हो गए ठीक है फिर उसके अलावा क्या होगा कि इंडिया के पीएम किसी पर्टिकुलर कंट्री के पीएम से मिलेंगे या प्रेसिडेंट से मिलेंगे सेम हैपेंस विद अदर कंट्रीज सो ऑन द साइडलाइंस ऑफ जी ट्वेंटी कहां पर हुई है रोम में इटली में तो वहां पर इटली के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिले और इन्होंने अनाउंस करा है कि अब हम जॉइंट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेंगे बाय इंडियन एंड इटली इटालियन कंपनीज इन एनर्जी ट्रांजिशन रिलेटेड फील्ड इस तरीके के जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फील्ड हैं उन सारे ही फील्ड पे अब हम दोनों कंट्रीज कोलेबोरेट करेंगे नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक रेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फाइनेंसिंग पुशिंग तो अभी क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अब फाइनेंस चाहिए होगा सो तो उसको दोनों ही जो हैं ये मिलकर अब इसको फाइनेंस करेंगे अभी क्या हुआ था कि बहुत सारी अलग अलग कंपनी को पिच करा गया बहुत बैंक को पिच करा लेकिन उन्होंने इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो अब इन दोनों एंटिटीज ने मिलकर डिसाइड करा है कि हम यहाँ पर अब अपना फंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे वो है तीन मिलियन डॉलर का इसके अलावा मेघालय के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए चालीस मिलियन डॉलर जो है वो देगा वर्ल्ड बैंक ओके फिर नेक्स्ट आते हैं NSDC कोलेबोरेट विद ग्लोबल पार्टनर्स टू लॉन्च स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड ठीक है कौन सा बॉन्ड है ये स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है कौन लॉन्च करेगा इसको NSDC किसके साथ में पार्टनरशिप करी है इसके लिए ग्लोबल पार्टनर्स ओके यहाँ पर यदि यह हम देखें द हैज हैज्रॉट टूगेदर एन अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर्स कितना 14.4 मिलियन फंड और इसके तहत जो 50,000 लोग हैं इंडिया में यंग पीपल जो हैं उनको स्किल बनाने में सहायता मिलेगी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी अगले चार सालों के अंदर इसको अंजाम दिया जाएगा ये जो पूरा पार्टनरशिप है उसको फिर उसके बाद आते हैं हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने एक एमओ साइन करा है फ्लिपकार्ट के साथ में अभी Flipkart का आपने सुना होगा कि इन्होंने अपने एक समर्थ प्रोग्राम शुरू करा हुआ है और ये काफी टाइम से ऐसा नहीं है अभी हुआ हो सो so, उसी के तहत अब क्या करेगा ये यहाँ पे हम इसका पूरा लाइन पढ़ते हैं कि Flipkart India's home grown e-commerce marketplace has signed an MoU with the Ministry of Rural Development of the Government of India for their ambitious दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम इसके तहत क्या होगा लाइवलीहुड से रिलेटेड है यानी कि रोजगार से रिलेटेड हो गया जो लोकल बिजनेसेस हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको आ, किसी ना किसी तरीके से और स्किल बनाने में उनको पैसे प्रोवाइड करने में मदद करी जाएगी ठीक है सो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और फ्लिपकार्ट ने दोनों ने मिलकर एक एम साइन करा है फिर नेक्स्ट आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एम साइन करा है एन के साथ एन ई एम स्टैंड फॉर नेजडेक्स ई मार्केट लिमिटेड और किस लिए Uh, and uh, by signing this particular MOU, Bank of Baroda has become the clearing bank for handling financial transactions which are related to uh, NEML. Okay. इसके अलावा यदि हम देखें NEML के MD and CEO कौन हैं, तो ये मुरगांग परंजपे. Access Bank ने MOU sign करा है Indian Navy के साथ में for salary accounts. So इसको नाम दिया गया है, यानी कि जो भी defence service package जो provide करेगा Access Bank, उसको नाम दिया है Power Salute. इसके तहत जो भी इंडियन नेवी के कर्मचारी जो यहाँ पे अकाउंट खुलवाएंगे उनको काफी सारे अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के सीईओ भी इनको रीअपॉइंट करा गया था okay. फेडरल बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक बंकाश्योरेंस पार्टनरशिप में गए हैं तो देखिये बंकाश्योरेंस स्टैंड फॉर बैंक प्लस इंश्योरेंस फेडरल बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस इन दोनों ने मिलकर ये पार्टनरशिप जो है वो करी है ओके इसके तहत वेरियस जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे कस्टमर्स को ओके okay? फिर आते हैं ई सैफ ज्वाइन हैंड्स विद नाबार्ड फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन केरला सो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने पार्टनरशिप करी है नाबार्ड के संग में जो कि हमारा एग्रीकल्चरल बैंक है उसका हेड है ये किस लिए करी है जिससे कि जो केरला के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके ओके द नेक्स्ट आता है आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड यूको बैंक एंटर आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस ने हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में एक बंक अश्योरेंस करा है फिर ईसेफ ने नाबार्ड के साथ में एक करा है जिसके तहत लोकल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक लेवल पे वो किया जाएगा केरला का और आधार हाउसिंग फाइनेंस ने यूको बैंक के साथ में कोल एंडिंग पार्टनरशिप में आए हैं होम होम के लिए ये तो वैसे भी सिंपल है हाउसिंग है तो होम आ गया आदित्य इंश्योरेंस है तो हेल्थ के लिए पार्टनरशिप है ओके नेक्स्ट हम टाटा मोटर्स साइन फाइव ईयर एमओयू विथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ब्रिंक फाइनेंशियल सोल्यूशन ऑफ एस कस्टमर्स सो एस कस्टमर्स क्या होंगे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सो इस रेंज के लिए टाइप करा है टाटा मोटर्स ने किसके साथ में क्वेटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और ई सैफ ने करा है नाबार्ड के साथ में तो जब भी आपको चेक पढ़ रहे हो साथ में दूसरा देख लो और आ, ये जो है ई सैफ और इक्वेटास में आपस में कंफ्यूज मत करना ओके okay? नेक्स्ट है सिडबी ज्वाइंस हैंड्स विद गूगल टू हेल्प एमएसएम सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए सिडबी और गूगल साथ में आए हैं और क्या करेंगे फॉर पायलटिंग अ सोशल इंपैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम विध फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू अपन करोड़ एट इंटरेस्ट रेट टू सो सेम को मैक्सिमम एक करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा अब यहां पर मैं आप लोगों से बोलूंगी एक बार आप इंटरनेट पे सर्च कर लो एमएसएम आपके किसी रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एमएसएमई uh, से रिलेटेड कि कितने से कितने पैसे तक का होता है उनका टर्नओवर कितने रुपए तक का टर्नओवर होता है तब वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं तो माइक्रो के लिए क्या है मीडियम के लिए क्या है और स्मॉल के लिए क्या है ये तीनों चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख के रख लो क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं फिर उसके बाद आते हैं एस बी आई एंड टाटा स्टील टाइप टू प्रोमोट फुटबॉल थ्रू जमशेदपुर फुटबॉल क्लब सो एस बी आई और टाटा स्टील इन दोनों ने एक टाइप करा है इसके तहत क्या किया जाएगा जो एस बी आई है विच इज ऑब्वियसली कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर ये जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जो है उसके थ्रू फुटबॉल को प्रमोट करेगा और ऐसा एस बी आई पहली बार कर रहा है तो यहां से क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस है बिकॉज हम अभी एस बी आई पीओ का ही एग्जाम दे रहे हैं सो दो दे वुड लाइक टू आस्क द द्वेश्चन रिलेटेड टू देयर बैंक ओनली ओके सो ये आप देख लो एक बार Uh, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने करी इसके अलावा टाटा मोटर्स ने करा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में फॉर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल रेंज के लिए और फिर यूको बैंक और आधार फाइनेंसिंग आधार हाउसिंग फाइनेंस ने करा है किसके लिए तो होम लोन्स प्रोवाइड करने के लिए आदित्य बिरला और फेडरल बैंक ने करा है इंश्योरेंस ओके हेल्थ इंश्योरेंस है वो देन बीओबी कार्ड्स पार्टनर्स विद एनपीसीआई रूपे क्रेडिट कार्ड तो क्या है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ ये बीओबी क्रेडिट कार्ड जो है उनको प्रमोट करेंगे उनको रिलीज करेंगे लॉन्च करेंगे ऑन रूपे प्लेटफॉर्म ठीक है फिर आते हैं यहां पर वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड 250 मिलियन डॉलर लोन फॉर स्कूल लर्निंग प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश सो आंध्र प्रदेश के स्कूल लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो ढाई मिलियन डॉलर का लोन देगा और मेघालय के हेल्थ सेक्टर के लिए कितना देगा फोर्टी मिलियन डॉलर का द नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन थ्री मिलियन डॉलर लोन टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर इन कंट्री सो अब हमारे कंट्री के थर्टीन स्टेट्स में ये पर्टिकुलर जो फंड है उसके तहत काम किया जाएगा हेल्थ सेक्टर में

इक्विटास बैंक ने एच डी एफ सी बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है जिसके तहत वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है उनको प्रमोट करेंगे okay? परचेस so, करने के लिए लोन दिया गया है लगभग ग्यारह हजार एक सौ पिचासी करोड़ का ये लोन है ओके okay? और अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर जो है हमारी कंट्री का उसको इंप्रूव करने के लिए तीन मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है फिर यहां पर आ जाते हैं इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है बीपीसीएल एचपीसीएल और इंडियन ऑयल इन इन्होंने मिलकर लॉन्च करा है एक मॉडल रिटेल आउटलेट स्कीम ओके

सो so, वाइजर क्या है पहले तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है दिस कैन बी अ क्वेश्चन वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इसमें क्या किया है ये किसने लॉन्च कराया है पहले तो ये देख लो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर तो यहाँ पर इंडिया और जर्मनी ने मिलकर भागीदारी करी है कि अब जो वुमेन है उनकी लिटरल एंट्री कराई जाएगी रिसर्च के फील्ड में यदि वो किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में आना चाहती है तो उसमें और प्रोग्राम का नाम है वाइजर वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसअ दाह को ऑपरेशन इन्होंने डेयरी सहकार नाम की एक स्कीम लॉन्च करी है डेयरी सहकार स्कीम के लिए टोटल पांच हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा एनसीडीसी के तहत ठीक है और एनसीडीसी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर में यहाँ पर आप देखिए अमूल इज एन इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड इन गुजरात और इसको इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी 1946 में हमारी आज़ादी से एक साल पहले नेक्स्ट है कैबिनेट गिव्स नॉट टू रीस्टोर एम पी एल सो ये क्या है एम पी ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसके तहत क्या होता है कि फाइव करोड़ रुपीज़ हर साल में दिए जाते हैं और ये जो भी एम पीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पाँच करोड़ से कुछ भी जो काम है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो करा सकते हैं ठीक है तो अभी कोविड के टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था अब इसको रिस्टोर करा गया है सो यहाँ पर ये देखिए टू इंस्टॉलमेंट्स दी जाती हैं ढाई करोड़ ईच की और ये 2025-26 तक अब कंटिन्यू रहेगा इसके अलावा इस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्योंकि अब देखो साल बहुत ही थोड़ा सा बचा है अगर हम फाइनेंशियल ईयर की भी बात करें तो इस साल दिए जाएंगे दो करोड़ रुपए फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसने पाँच वर्ष जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं तो अब यहाँ पर क्या है जरूरी नहीं है आपसे यही क्वेश्चन पूछे आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है कितने रुपए दिए जाते हैं या फिर हिली रीजन पे इसकी क्या लिमिट है नॉर्मल रीजन पे इसकी क्या लिमिट है तो जैसे कि मैंने अगर इसको सर्च करा था यहाँ पे लेट मी शो इट टू यू जस्ट जस्ट गिवी से क्या किया गूगल पे सर्च करा प्रधानमंत्री की कि इसमें कॉस्ट शेयरिंग क्या है तो यहाँ पर अगर आप देखो कि सेंटर है और जो स्टेट है उनका कॉस्ट शेयरिंग रेशो है थ्री टू टू का यानी की सिक्सटी परसेंट जो पैसा है वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और चालीस परसेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट ये प्लेन एरियाज के लिए वहीं पे पर्टिकुलर एक घर को बनाने के लिए वो दिए जाते हैं सरकार के द्वारा तो पहले ये था सत्तर हजार लेकिन अब बढ़ा के कर दिया गया है एक लाख बीस हजार रुपए सो ये है प्लेन में और हिली स्टेट्स में एक लाख तीस हजार रुपए सो आपसे अपने प्रीवियस पेपर्स अगर देखे होंगे आर के Uh, जो अभी इसी साल हुआ है या फिर एस बी आई के एस बी आई क्लर्क का तो उसमें ऐसा है कि आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम है जो कि अभी न्यूज में है लेकिन उससे रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चन पूछे हैं ठीक है डायरेक्ट uh, वो क्वेश्चन ना पूछ के जो कि न्यूज में है कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए हैं सो so, इस पर्टिकुलर योजना ने पांच साल कंप्लीट करे और लक्ष्य हाउसिंग फॉर ऑल बाय ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके और दोनों को कन्फ्यूज मत करना अर्बन अलग है ग्रामीण अलग है ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू द दीडीएफ नाउ वी आर गोइंग टू सी अपॉइंटमेंट्स एंड से फिक्की फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सो यहाँ पर अरुण चावला को इसका नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ठीक है देन श्री पवन कपूर अपॉइंटेड एज टू रशिया और पवन कपूर को इंडिया का अंबेसिडर बनाया गया है रशिया के लिए सो रशिया हो गया चाइना अमेरिका देन इसके अलावा फ्रांस हो गया और फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके लिए हमारे जो भी अम्बेसिडर्स हैं वो आपको याद रखने हैं भले ही वो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हो या फिर पहले के हों आगे देखते हैं इंडिया ने अपॉइंट करा है संजय भट्टाचार्य को एज इट्स न्यू अम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड सो संजय भट्टाचार्य टू स्विट्जरलैंड एंड पवन कपूर टू रशिया देन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन इन्होंने अपॉइंट करा है डेनियल डेनियल वेल को एज हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूथ सो देखो ये यू एन एचआरसी नहीं है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नहीं है ये ये है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन इन्होंने और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है सो so, ये है न्यूयॉर्क में विच इज़ इन यू एस ए सो यहाँ पे डेनियल डेल वेल को हाई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा गया है यूथ के लिए दैन अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एम वे इंडिया का ओके okay? फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं एन सी बी ये क्या है नार्कोटिक्स से रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट होता है उसके लिए जो चीफ बने हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान और ये दो तक इनका अपॉइंटमेंट रहेगा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है पिछले एक दो साल से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है देन प्रोफेसर बिमल पटेल इनको इलेक्ट करा गया है पाँच साल के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ कमीशन में ओके okay? तो ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल का कोई भी अपॉइंटमेंट जिसमें कोई इंडिया का पर्सन अपॉइंट हो तो वहां से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं इसके अलावा पी मोदी जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमारा इनकम टैक्स कलेक्ट करता है उसके पहले ये चेयरमैन रह चुके हैं ही वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी इनको अपॉइंट करा गया है एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल ये बनेंगे पहले अभी थोड़े ही टाइम के लिए बन पाए थे पीपी के ये लगभग दो ढाई महीने के लिए ही रह पाए और अब पीसी मोदी को बनाया गया है सो मोदी जो है ये पहले इंडिया के जिनको इस पोस्ट पे अपॉइंट कराया जनरली यहां पर लॉ से रिलेटेड जो लोग होते हैं या फिर जो रिटायर्ड आई एस होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है एंड ही हैज ब्रोकन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन और अब ये पहले आई आर एस बने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ये एक अधिकारी थे और अब इनको राज्यसभा का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है फिर यहाँ पर देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसने अपॉइंट करा है जॉब एलर्डिस को एज द न्यू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे ये किसके आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रिप्रेजेंटिंग विक्टोरिया इन फोर्टीन मैचेस इन ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट नेक्स्ट है संजय मिश्रा ये ईडी यानी कि उसके डायरेक्टर थे और अब इनको एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है और अभी हमने एनसीबी के लिए पढ़े थे वो थे सत्यनारायण देन नेक्स्ट है कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा नाम काफी बड़ा सा है आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी एक बार देख लीजिए एग्जाम सॉरी एग्जाम में यदि आता है तो ऑप्शन में आप आराम से टिक कर लोगे बस कुवैत और कतर को आपस में कन्फ्यूज मत करना बिकॉज आई फाइंड देम ऑफन यू नो सिमिलर साउंडिंग आई डोंट नो फॉर वॉट रीजन सो यहाँ पे देखिए शेख सभा अल खालिद अल सभा ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के कुवैत के इंडिया इज नामी इलेक्टेड टू एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल सो सीबीआई के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं कौन है ये प्रवीण सिन्हा इनको इलेक्ट करा गया है एज द डेलीगेट फॉर एशिया

और जो चेयरमैन है कंपनी के धीरज हिंदुजा वो अब दोबारा से इस रोल में आ गए हैं तो ये आप ध्यान रख सकते हो विपिन सोंधी का द नेक्स्ट है चेक के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं चेक रिपब्लिक के वो बने हैं मिलोज जेमान तो अभी हमने पढ़ा अल सबा खलाद अल खालिद अल, अल सबा जो कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं और यह है मिलोज जेमान जो कि पीएम बने हैं चेक रिपब्लिक के द नेक्स्ट आता है एस माउंटेनियर हर्षवंती बिष्ट इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ऑल दो देर आर अ नंबर ऑफ फाउंडेशन जो कि हमारी कंट्री में है या वर्ल्ड वाइड है हमें सबका याद नहीं रखना है अगर कुछ थोड़ा यूनिक सा हो गया क्योंकि यहाँ पे पहली वुमेन बनी है जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेंगी इसलिए हमें इनको याद रखना है इनका नाम एंड शी इज़ अ माउंटेनियर हर सेल्फ हर्षवंती बेस्ट ठीक है फिर जैक जेकडोर्सी जो है वो ट्विटर के सीईओ थे उन्होंने स्टेप डाउन करा है और अब इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएटेड है ये अब ट्विटर के नए सीईओ बनेंगे ठीक बने है बने हैं ऑलरेडी बन चुके हैं देन नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट अपॉइंट सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक जौरी एज द चेयरमैन ऑफ सी बी आई सी सी बी आई सी होता है आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जैसे जो जीएसटी हो गया कस्टम हो गया एक्साइज हो गया वो इसके अंडर में आता है तो विवेक जौहरी को इसका हेड बनाया गया है ओके okay? then next we are going to talk about the important awards that were given in this particular month south african author demon galgut wins booker prize for the promise so dekhi booker prize kafi important hai iska aap logo ko zarur dhyan rakhna hai similarly nobel prize in literature ho gaya ye bhi zarur dhyan rakhna hai uh, literature uh, में किसको मिला था अब्दुल Gurna गुरना को ठीक है अब यहाँ पर साउथ अफ्रीकन ऑथर हैं डेमोन गलकुट उनको बुकर प्राइज दिया है 2021 का किस book के लिए The Promise okay next है

द नेक्स्ट है अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो दिए गए हैं ये इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम अब चेंज करा गया है इसमें किस किस ने अभी किस किस को ये दिया गया ये चूंकि इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है इन दी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इसलिए आपको इनके नाम ध्यान रखने होंगे नीरज चोपड़ा रवि कुमार दहिया लवलीना बोरगोइन पी आर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह ये तो हो गए आपके हॉकी हॉकी के हैं दोनों ही प्लेयर्स ये पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह अभी जो हमारी हॉकी की टीम जिसने ब्रॉन्स मेडल जीता था ओलंपिक में उसके ये दोनों पार्ट थे फिर इसके अलावा अवनी लेखारा सुमित अंटिल प्रमोद भगत कृष्णा नागर मनीष नरवाल ये जितने भी प्लेयर्स के मैंने अभी नाम लिए ये सारे ही हमारे पैरालंपिक्स में मेडल विनर्स हैं और मिथाली राज तो ये क्रिकेट की बहुत ही महान प्लेयर है इंडिया की एंड सुनील छेत्री इनका नाम भी आप सभी लोगों ने सुना होगा इनको दिया गया है इस साल का हाईएस्ट हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स और इसमें पच्चीस लाख का कैश प्राइज होता है ठीक है फिर इसके अलावा पैंतीस प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया गया और दस कोचेस को अवार्ड दिया गया द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य अवार्ड होता है कोचिंग के फील्ड में ठीक है तो पैतीस प्लेयर्स थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला और दस कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया अभी चूंकि इतने सारे आई डोंट थिंक आपसे यहाँ से नाम पूछे जाएंगे सो so, अब इसका प्राइज मनी आप लोग जरूर ध्यान रखना पंद्रह लाख रुपए है फिर इसके अलावा यहाँ आगे देखते हैं आई बॉम्बे के चार स्टूडेंट्स और दो टीचर्स को लगभग यहाँ पर आप देखिए 1.85 करोड़ का ग्रांट मिला है कहाँ पर दिया गया तो सस्टेनेबल इनोवेशन फॉर्म फोरम जो है जो कि अभी हेल्ड करा गया कहाँ पर कोप ट्वेंटी जो कि ग्लास्को में हुआ था वहाँ और इन्होंने प्राइस क्यों जीता है क्योंकि इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करा जिसके थ्रू जो एटमोस्फेयर है उससे कार्बन को हटा दिया जाएगा और उनके जो सॉल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे ओके सो तो ये ध्यान रखना यहाँ पे देखिए एलन मस्क का जो फाउंडेशन है उसने इनको ग्रांट दिया है ओके एक्स प्राइज फाउंडेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एलन मस्क फाउंडेशन तो ये ध्यान रखना है हमको फिर इसके अलावा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा गया है बी को किस लिए क्योंकि इन्होंने बी आर ओ का एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन है उसको क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास जो है वो बनाया है तो आपको ये क्वेश्चन एसबीआई के पेपर में भी आई थिंक आया था आ, शायद हाइट पूछी थी कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो कहाँ बनाया गया है कितनी हाइट पर तो ये उमलिंगला पास में बनाया गया है जो कि है लद्दाख में उन्नीस हजार चौबीस फीट की हाइट पर ये है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है इसको कौन हेड करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी द नेक्स्ट है मलयालम ऑथर एम मुकुंदन इन्होंने जीता है जेसीबी सी प्राइज फॉर लिटरेचर और बुक कौन सी है इनकी सो डेली अ लॉके सो जे सी प्राइज जो है ये काफी अपने आप में प्रतिष्ठित अवार्ड है और चूंकि ये एक इंडियन को दिया गया है दैट मीन्स इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर तो बुक जो है वो असली में लिखी गई थी ओरिजिनल में मलयालम में फिर उसको ट्रांसलेट करा इंग्लिश में फातिमा ई एफ और नंद कुमार के ने ठीक है तो यहाँ पर इन जितना भी प्राइज मनी होगा वो इन सब में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओके जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर द नेक्स्ट है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी इनको अवार्ड दिया गया एज द फिल्म पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड आई डबल एफ आई में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया प्रसून जोशी एक लिरिसिस्ट हैं और हेमा मालिनी एक्टर हैं बहुत ही फेमस डांसर हैं और साथ में बीजेपी के लीडर भी हैं द नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अग्रेसि स्वच्छ अमृत महोत्सव एंड प्रेजेंट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया इंदौर को पांचवी बार ये लगातार हुआ है इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने मार्क करी हुई है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ये एक चैलेंज शुरू कराया है एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का और इसके इसको कौन हेड करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी ठीक है इस आ, ये पर्टिकुलर चैलेंज जो है इसके थ्रू क्या किया गया कि मैकेनिकल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स शुरू करी गई प्रमोट करा जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को जो सीवर्स होते हैं उनको लोग साफ करते हैं एंड इट इज एक्चुअली क्वाइट डीह्यूमेनाइजिंग सो अब उसको मैकेनिकल तौर पे साफ करने के लिए ये एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया तो ये ध्यान रखना फिर नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम जो प्रथम एक एनजीओ है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन के फील्ड में काम करता है ओके सो यहाँ पर इसको दिया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस तो अभी एक हमने प्राइस पढ़ा था ऊपर सिसी सी को जो दिया गया था जो कि एक जिम्बाब्वे की ऑथर है ये था जर्मन पीस प्राइज और यहाँ पर हम देख रहे हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है प्रथम नाम के एक एनजीओ को देन नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश नेम्ड बेस्ट मरीन स्टेट तेलंगाना टॉप परफॉर्मर इन इनलैंड फिशरीज तो अगर आप इंडिया का ऐसे मैप देखोगे तो आंध्र प्रदेश जहाँ लाई करता है वहां पे काफी बड़ी एक कोस्टलाइन है कोस्ट इंडिया की इनफैक्ट इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो आंध्र प्रदेश की है फर्स्ट पे है गुजरात सेकंड पे है तमिलनाडु एंड थर्ड पे है आंध्र प्रदेश सो so, इसको बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड दिया गया और तेलंगाना को इनलैंड फिशरीज में टॉप अवार्ड दिया गया तो इनलैंड फिशरीज क्या होता है यहाँ पे आप देखिए इनलैंड फिशरीज आर एनी एक्टिविटी कंडक्टेड टू एक्सट्रैक्ट फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इनलैंड वाटर्स किस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी जो की रिलेटेड हैरीन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यह है बालासोर विच इज इन उड़ीसा और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें इनलैंड फिशरीज में तो ये बालाघाट को अवॉर्ड करा गया है जो की मध्य प्रदेश का एक जिला है नेक्स्ट आता है टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है अनिता देसाई को काफी रिनाउड ऑथर है किरण देसाई से कंफ्यूज मत करना शी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर सो इनको इस साल का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन विन मल्टीपल अवार्ड्स एट यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 ये अवार्ड फंक्शन हुआ मलेशिया में जिसमें एआईआर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को काफी सारे डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए ओके okay? फिर उसके बाद हम देखते हैं सोहन रॉय जो कि एक लिस्टेड ऑनप्रोनोर है और ये बिलोंग करते हैं केरला से इनको ही हैज़ बिकम एक्चुअली एक्चुअली ही हैज़ बिकम अ फर्स्ट द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद नाइट हुड इन इटली सो इटली का नाइटहुड अवार्ड इनको दिया गया है नाइट ऑफ पैरते गुल्फा ओके आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली बट ये आप देख लीजिए इटली का एक अवार्ड है जो की इनको दिया गया है और साथ ही इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है मारियो द्रागी अभी हमने ऊपर भी देखा था फिर यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट जो अभी फिफ्टी सेकेंड इंटरनेशनल फिल्मेयर फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा था जिसमें प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सो यहाँ पर एक जापानीज फिल्म है रिंग वॉन्ड्रिंग इसको गोल्ड पीकॉक अवार्ड दिया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया है किसको रिंग वॉन्ड्रिंग अब ये एक जापानीज फिल्म है तो ये भी आपको ध्यान रखना है सिक्सथ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल सो so, ये भी जब क्लोजिंग सेरेमनी थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की उसकी क्लोजिंग सेरेमनी पे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के लिए भी अवार्ड दिए गए अब ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है तो ब्राजील देन रशिया इंडिया देन आपका हो गया चाइना एंड नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका सो इन्हीं कंट्रीज की फिल्म को अवार्ड दिया गया यहाँ पर बराकात जो कि एक साउथ अफ्रीकन फिल्म है और रशिया की एक फिल्म थी द सन अव मी नेवर सेट्स इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया इसके अलावा धनुष जो कि इंडिया के एक्टर है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मेल में फॉर इस मूवी असुरन नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस की एक तो वर्ल्ड रैंकिंग्स आती है फिर एशिया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की आती हैं तो हमारे लिए ये दो ही रिपोर्ट कंसर्न है एक एशिया से रिलेटेड और एक वर्ल्ड रिपोर्ट ओके सो इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी रैंक्स फर्स्ट अमंग ऑल द इंडियन स्टेट यूनिवर्सिटीज सो so, जो भी यूनिवर्सिटीज स्टेट द्वारा चलाई जाती है उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने टॉप करा है ओके okay? यहां पर आप देखिए और ओवरऑल इसकी रैंक है एशिया में वन फिफ्टी फोर सो दिस यू हैव टू रिमेंबर देन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रैंकिंग ये रिलीज करी गई और इसमें केरला को बेस्ट गवर्नड स्टेट का अवार्ड दिया गया दिस इज फॉर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ओके रिलीज कौन करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर फिर नेक्स्ट है नीति आयोग हैज अ रिपोर्ट कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडिल सो ये मिडिल क्लास से रिलेटेड है और यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में जो इरेगुलरिटीज हैं उनकी बात करी जाएगी ठीक है सो so, रिपोर्ट किसने रिलीज करी नीति आयोग ने डोंट कन्फ्यूज के हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने करी होगी दैट्स okay. है इंक्लूडेड दिस वन ओके फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स सो लॉजिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो इसमें टॉप करा है गुजरात ने फॉलोड बाई हरियाणा

इंडिया ने 87 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस इस साल में अर्न करा है और सबसे ज्यादा कहाँ से आया है सो so वो आया है अमेरिका से ठीक है दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन रैंक द बेस्ट इन द कंट्री सो so बेस्ट पुलिस स्टेशन की यदि हम बात करें तो इसका अवार्ड दिया गया है दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड पर रहा है गंगापुर पुलिस स्टेशन जो कि है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में और अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा का एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो कि न्यूज़ में है और क्यों है क्योंकि इसे बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है ओके okay. नेक्स्ट है फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये रिलीज करा है नीति आयोग ने तो यहाँ पर क्या बात करी गई है कि जो पॉवर्टी है वो यूनी डायमेंशनल नहीं होती इट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि पोवर्टी को डिफाइन करता है जैसे कि एजुकेशन स्टैंडर्ड हो गया हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन हो गया हाउसिंग हो गया व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर टेकिंग इन इन सारी चीज़ों को देखकर ही डिसाइड करा जा सकता है दैट व्हाट इज पोवर्टी ओके सो इस रिपोर्ट के तहत बिहार की जो पचास से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है ना ही उन्हें हेल्थ का एक्सेस है एजुकेशन का एक्सेस है इस तरीके की बात इसमें बताई गई है इसके अलावा सबसे कम जो पोवर्टी है वो है केरला में ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट डेज सो यहाँ पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये सेलिब्रेट करा गया कब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ वीक है उसमें बर्थडे उनका है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को और उसी पर्टिकुलर वीक में ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर से फर्स्ट नवंबर तक ये पर्टिकुलर वीक सेलिब्रेट करा गया ओके okay? थीम था इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और इंडिया बहुत सारी रियासतों में बटा था फौरेनर्स, फौरेनर्स जब फॉर चला गया था यहाँ से और उसको इंडिया को यूनिफाई करने का काम इन्होंने ही करा है ओके फिर इसके बाद आयुर्वेद डे जो होता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं धनतेरस के दिन धनतेरस इस बात थी सेकंड नवम्बर को तो यह ध्यान रखना इसका थीम था आयुर्वेदा फॉर पोषण फिर उसके बाद सुनामी अवेयरनेस डे ये होता है पाँच नवंबर को फिर इसके बाद है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये है सुनामी अवेयरनेस डे के जस्ट दो दिन के बाद तो सात तारीख को रेडियोग्राफी डे है आठ नवंबर को आर लिखोगे आप और एट लिखोगे तो काफी सिमिलर है लिखने का पैटर्न इस तरीके से याद रख सकते हो और क्यों मनाया जाता है ये क्योंकि इसी पर्टिकुलर डे को Uh, जो जर्मन साइंटिस्ट हैं विलियम रोंगटन जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी करी थी एक्स रेडिएशंस uh, की डिस्कवरी करी थी उनका बर्थडे होता है ठीक है आठ नवंबर को और इनको जब नोबेल प्राइज़ शुरू हुए थे 1901 में उसके पहले नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता जाता था तो ही वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ओके सो इसीलिए इस पर्टिकुलर डे को हम रेडियोग्राफी डे के तौर पर मनाते हैं फिर आता है वर्ल्ड साइंस डे अब देखिए इंडिया में साइंस डे होता है 28 फरवरी को और वहीं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है दस नवंबर को ओके देन ग्यारह नवंबर को है नेशनल एजुकेशन डे क्योंकि इस दिन हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उनका जन्मदिन होता है इसके अलावा यदि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है ठीक है नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि बिरसा मुंडा जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा सो कब है ये इनका बर्थडे है फिफ्टींथ नवंबर को ठीक है ही वॉज अ वेरी आई वुड से रिनाउड और रिवर्ड ट्राइबल लीडर इसके अलावा इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर भी थे ठीक है देन नेक्स्ट है वर्ल्ड निमोनिया डे ये होता है 12 नवंबर को निमोनिया इज अ वेरी डेडली डिसीज आई वुड से और पाँच साल से कम के यदि बच्चों में देखें तो लगभग आठ लाख बच्चे हर साल इसके द्वारा मारे जाते हैं तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि ये कब होता है इस बार का इसका थीम था स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट देन फोर्टींथ नवंबर को होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे और उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट देखें दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वॉट आई फाउंड योर कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस है 16 नवंबर को और ये डे डिक्लेयर करा गया था टू पे अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी सो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को डेडिकेट करा गया है ये डे ओके फिर नेशनल प्रेस डे है वो भी 16 नवंबर को है ओके उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन नाइनटीन नवंबर और इस बार का इसका थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स बेसिकली सैनिटाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको और प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट जो डे uh, जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है देन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे दिस इज ऑन ट्वेंटी ऑफ नवम्बर ओके फिर यहाँ पे फिशरीज डे ऑल दो द डेट सेल्फ इज नॉट दैट नेसेसरी बट द फैक्ट दि फाउंडर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आंध्र प्रदेश जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है ओके okay? फिर नेशनल मिल्क डे ये होता है 26 नवंबर को और डॉक्टर वर्गीज कॉरे जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं या फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं सो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है ओके नाउ वी शैल डिस्कस इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स सो यहाँ पर एक बुक लिखी गई है रानी लक्ष्मीबाई के लॉयर जॉन लैंग के ऊपर ये एक ऑस्ट्रेलियन लॉयर थे बुक का नाम है जॉन लैंग ऑफ ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तानी लॉयर ऑफ रानी इसको लिखा है अमित रंजन ने। the next, one of India's most celebrated authors, से। इन्होंने एक बुक लिखी है द सेज विथ टू हॉर्न्स सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की वाइफ है ओके okay? देखते हैं नेहरू द दैट डिफाइंड इंडिया नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर ये किताब लिखी है इसको लिखा है त्रिपुर दमन सिंह और अदिल हुसैन ने द नेक्स्ट गोपी चंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आउट, को रिलीज करा है द लेजेंड बैडमिंटन प्लेयर एज वेल एज कोच जो भी हमारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इन्हीं के अकेडमी से निकले हुए हैं सो so, इन्होंने एक बुक लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट और इस बुक को ऑथर करा है प्रिया कुमार ने ओके okay? फिर नेक्स्ट आता है सलमान खुर्शीद अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑथर आई वुड से इन्होंने बुक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या ओके दैन स्मृति ईरानी जो कि हमारी मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्होंने बुक लिखी है लाल सलाम और ये बेसिकली इंस्पायर्ड है बाय द ट्रैजिक किलिंग ऑफ 76 सिक्स सी इन दंतेवाड़ा आपने सुना होगा बहुत ही ट्रैजिक ये घटना थी छवेंटी सिक्स सी जो हमारे थे उनकी डेथ कर डेथ हो गई थी एंड इट वॉज ऑबियसली कॉज बाई दी नक्सल्स फिर नेक्स्ट देखते हैं अभिजीत बेनर्जी इकोनॉमिस्ट है ये और इनको अभी uh, एक दो साल पहले ही नॉबल uh, प्राइज से भी सम्मानित किया गया अलॉन्ग विज वाइफ ईस्टर टफ्लो सो यहाँ पे देखिए अभिजीत बेनर्जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम so, है कुकिंग टू सेव योर लाइफ सो ऑब्वियसली इंडियन मूल के हैं नॉबल प्राइज नोबल प्राइज विनर हैं सो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ओके फिर नेक्स्ट बुक आती है बंग की मूल इन्होंने लिखी है रिजोल्व नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड सो बांकी मून कौन थे जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस और अभी प्रेजेंट में कौन है एंटोनियो गोटेज सो इन्होंने एक बुक लिखी है रिजॉल्ट नेक्स्ट वील सी सम मिसलेनियस करेंट अफेयर्स विच आर इम्पोर्टेंट वैक्स को चूज करा गया एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सो वैक्स क्या है इट इज बेसिकली अट फॉर्म फॉर वैक्सीनेट और वैक्सीनेशन ठीक है then Srinagar has been declared as one of the cities of UNESCO network of creative cities. So इसको UNESCO की एक जो creative cities का network है और ये वो वाला नहीं है list जो हम आ, याद करते हैं कि UNESCO ने world heritage site में किसको include कराया this is not one of those this is another list और इसमें Srinagar को शामिल करा गया है for being a creative city in the field of craft and folk arts. Okay UNESCO का headquarter है Paris में और यहाँ के director general कौन है Audrey Azoulay. उसके बाद नेक्स्ट आता है लावा इंडिया का पहला ब्रांड बन गया है इट हैज बिकम फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू लॉन्च 5G स्मार्टफोन अपना 5G स्मार्टफोन शुरू करने वाला पहला इंडियन ब्रांड बना है लावा द नेक्स्ट है पोर्ट लॉन्चेस ऑल इलेक्ट्रिक टाइकान रेंज इन इंडिया सो आप जस्ट इसको एक बार यूट्यूब पे सर्च करना एंड यू विल सी अ फेब्युलस कार क्या होगा आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा बिकॉज इफ यू हैव सीन वन थिंग इन अ वीडियो देन ऑब्वियसली आपको वो चीज कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर हेड रहती है जर्मन की एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार मेकर है पॉश सो so, ये भी ध्यान रखना कि किस कंट्री की किस कंट्री की कार कंपनी uh, है ये ओके okay? सो so, इसने अपनी टाइकॉन रेंज जो है उसको रिलीज करा है उसको शुरू करा है इंडिया में कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कार है ये ओके okay? सो so, ये आपको ध्यान रखना है द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम इम्पोर्टेंट पर्सन हु वर इन न्यूज दिस मंथ उन्मुक्त चांद ये इंडिया के पहले मेल क्रिकेटर बने हैं जो कि बीबीएल में खेलेंगे यानी कि बिग बैश लीग में खेलेंगे मेलबोर्न वेनिगेट्स की तरफ से सो so, उन्मुक्त चांद जो है इन्होंने इंडिया की टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी आ, लीड करा था वॉज द कैप्टन ऑफ अंडर Under-19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम जिसने टाइटल भी जीता था उस साल का ये विनर थी पर्टिकुलर जो टीम थी हमारी कंट्री की बट आई वुड सेट अनफॉर्चुनेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप की टीम को हेड करा था वो अब इंडिया की मेन टीम में भी है वन ऑफ द एग्जाम्पल इज विराट कोहली हिमसेल्फ सो अब इन्होंने ज्वाइन करा है बिग बैश लीग को ओके देन राशिद खान रीचेज फोर हंड्रेड विकेट इन टी ट्वेंटी क्रिकेट डो इन दी क्विक सो सबसे जल्दी चार सौ विकेट लेने वाले ही क्रिकेटर बने हैं टी ट्वेंटी में ओके राशिद खान कहाँ के हैं तो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं देन संकल्प गुप्ता इंडिया के सेवेंटी फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं एंड सेवेंटी सेकेंड कौन है सो so, मैत्राबी गुहा जो कि कोलकाता से है ठीक है वो बने हैं सेवेंटी सेकेंड ग्रैंड मास्टर सेवेंटी फर्स्ट है संकल्प गुप्ता देन उसके बाद आता है भास्कर भट्ट अपॉइंटेड एज दी हेड कोच ऑफ सीनियर वुमेन्स बॉक्सिंग टीम सो बॉक्सिंग टीम के दैट टू वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के हेड कोच बनाए गए हैं भास्कर भट्ट उसके बाद रोहित शर्मा जो है ये तीसरे क्रिकेटर बने हैं तीन हजार रन बनाने वाले मेन्स टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स में पहले आ, कौन कौन से हैं अभी ऑलरेडी जो दो हैं वो हैं आपके विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल कहाँ के हैं ये सो न्यूजीलैंड के ठीक है और तीसरे बने हैं रोहित शर्मा हु इज गोइंग टू लीड अवर कंट्री इन दी व्हाइट बॉल क्रिकेट कौन कौन से होते हैं वाइट बॉल टी एंड ओडीआई Okay, so I think we have done quite a lot for this particular video. I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard. All the very best for your SBI PO mains exam, IBPS PO mains exam. So, yes, all the best from my side. If you want to join me, you can do so uh, on my Telegram channel that is Shilpi 28 so you can join this channel there are a lot of people who are already there they discuss quite a lot of things so you can also be a part of that particular group so yeah, with this i shall say bye to you i shall see you next time in my next video till that time stay happy practice hard and all the very best bye